My name is Rakesh Roshan and you are watching my YouTube channel Viral Info War. दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही यूनिक टॉपिक जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अमेजोन के साइट पे स्मार्ट शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों स्मार्ट शॉपिंग से हमारा मतलब है कि अमेजोन के साइट पे हर एक प्रोडक्ट का प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है। अब पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट मुझे ख़रीदना है उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि उसका प्राइस सबसे निचले लेवल पे कब आता है। तो दोस्तों इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक क्रोम एक्सटेंशन का जिसका नाम है कीपा। तो दोस्तों इसके लिए मैं लेकर के चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और जानते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले खोलेंगे गूगल क्रोम कुछ इस तरीके से और यहाँ थ्री डॉट्स यहाँ पे लिखा हुआ है एप्स, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वेब स्टोर में हम जाएंगे और इस सर्च वाले ऑप्शन में यहाँ पे हम लिखेंगे कीपा, KEEPA कीपा और दबाएंगे इंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे कीपा लिख करके आ गया है, इस पे करेंगे हम क्लिक। कीपा क्या है कि अमेजोन का प्राइस ट्रैकर है, इसको जब तक हम अपने क्रोम में ऐड नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्रोम में ऐड करा लेते हैं। अब हमसे यहाँ से परमिशन मांग रहा है, अब हम यहाँ पे करेंगे ऐड एक्सटेंशन। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते, अब ये हमारे क्रोम में ऐड हो चुका है। अब कीपा एक्सटेंशन ऐड होने के बाद हम एक नया विंडो खोलेंगे, उसमें अमेजोन का पेज खोलेंगे। अमेजोन में एक चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि अमेजोन के पेज पे हमें लॉगिन करके रखना है, ठीक है, तभी जा कर के कीपा चार्ट वर्क कर पाएगा। अब क्या करते हैं कि किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल का को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मोबाइल का पेज खुल करके आ गया है। अब हम किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसका प्राइस का हिस्ट्री जानेंगे। तो मैं कर लेता हूँ इसको सैमसंग गैलेक्सी M21। तो अभी जो इसका प्राइस दिखा रहा है 13,999 और देखते हैं कि इसका प्राइस का हिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए हम नीचे जाएंगे, ये जो यहाँ जो प्लस का आइकन ब्लिंक हो रहा है यही हिस्ट्री हमें बताएगा, ठीक है। ये है हमारा प्राइस हिस्ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस हिस्ट्री और ये जो ब्लू कलर की जो लाइन चल रही है ये प्राइस का ट्रैकिंग है, ये प्राइस ऊपर और नीचे होते रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखना ये है कि ये न्यू जो ब्लू कलर का जो टिक लगा हुआ ये लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वीकली मंथली और ऑल यानी 74 डेज तक का हमें हिस्ट्री दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसमें हमें वीकली देखना है, मंथली देखना है या ऑल 74 डेज यानी जब से ये मोबाइल लॉन्च हुआ है, जब से ये स्टोर पे आया है तब से पूरा देखना है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुराना प्राइस भी देखने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, वन मंथ के लिए काफ़ी। तो मैंने वन मंथ को यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ न्यू को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब हम कर्सर लेकर के जा रहे हैं तो इस प्राइस का प्राइस जो यहाँ पे शो हो रहा है 12,699 और डेट क्या है, ये जैसे यहाँ पे कर्सर रखते हैं यहाँ तीन चार चीज़ें दिख, एक तो प्राइस दिख रही है फ्राइडे मई 29 दिख रहा है और यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 13,999 और यहाँ पे कितना था 12,690, अराउंड 1500 का यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो चुका है यानी अभी इसको खरीदने में हमें घाटा है। तो सबसे निचला जो प्राइस का जो लेवल आ रहा है यहाँ पे 12,699 इस प्राइस को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक प्रोडक्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो यहाँ जो दिख रहा है न्यू, यहाँ पे हम वही प्राइस लेके जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एवरेज दिखा देगा, लोएस्ट एवर कब कितना था यहाँ पे लिखा है 12,699 जो यही हमें यहाँ पे ट्रैकिंग में लगाना है। करंट प्राइस जो हमें दिखा रहा है 13,999 जो आज का हमें दिख भी रहा है ऊपर में, ठीक है ना। तो इसका लोएस्ट प्राइस जो है 12,699 इसको हम अपडेट करने के लिए ट्रैकिंग में लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपडेट ट्रैकिंग, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन चार भाया है जिसके थ्रू वो नोटिफिकेशन हमें कर सकता है। एक तो ईमेल है, दूसरा फेसबुक है, टेलीग्राम है। तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ईमेल है हमारे पास। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना लिख लेता हूँ, मेरा अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अपना यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर नाउ ट्रैकिंग दिस प्रोडक्ट फॉर यू, यू कैन व्यू एंड अपडेट योर स्टेटस ऑन योर ट्रैकिंग रिव्यू बाद। तो यहाँ पे हम दो तरीके से
देख सकते हैं, ये तो अकाउंट्स में जाकर के ट्रैकिंग ओवरव्यू में भी देख सकते हैं और हमारे मेल पे भी वो प्राइस दिखा देगा कि कब और 12,699 का आया है और उस समय पे मैं सेटिस्फाई हूँ तो तब मैं उस समय ऑर्डर कर दूँ। तो हो गई ना ये स्मार्ट शॉपिंग। तो इस तरीके से हम शॉपिंग करेंगे तो हमें पैसा भी बचेगा और प्रोडक्ट वही मिलेगी और कम प्राइस में मिलेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद पता चलता है कि उसका प्राइस नीचे आ चुका है, तो उस समय थोड़ा सा हमें बुरा फील होता है कि शायद मैं 2-3 दिन और रुक जाता तो शायद ये प्रोडक्ट मुझे कम प्राइस में मिलता। ठीक है, तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए इस प्राइस ट्रैकर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हालांकि मार्केट में बहुत सारे प्राइस ट्रैकर अवेलेबल हैं लेकिन कीपा अमेज़न के लिए डेडिकेटेड है। इसमें अच्छा प्राइस ट्रैकिंग दिखाता है, किसी हर एक ट्रैकर का अलग अलग फीचर्स होता है, कोई 1 वीक के लिए दिखाता है, कोई 2 वीक के लिए दिखाता है, लेकिन ये जब से प्रोडक्ट लॉन्च होता है उस समय तक ये दिखाता है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट खरीद करके और एक स्मार्ट शॉपिंग हम कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके का मैं बहुत सारा वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो अगर ये वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग जो आपके जानने वाले हैं वो भी इस तरीके से स्मार्ट शॉपिंग कर सकें। थैंक यू सो much.